शिकारपुर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। जमकर गर्जा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बुलंदशहर, जमकर गर्जा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जेवर एयरपोर्ट के निकट झाझर इलाके में 25 अवैध कॉलोनियों को किया गया जमींदोज। आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर्स ने मकान, अस्पताल और दफ्तरों को किया जमींदोज। यमुना विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जमींदोज किए गए अवैध निर्माण कार्यवाही में यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के अधिकारी मौजूद। एकाएक योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने से इलाके में मचा हड़कंप। बाबा का बुलडोजर देखने उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। कार्यवाही को कॉलोनाइजर ने बताया अवैध, कहा कोर्ट में प्राधिकरण की देना होगा जवाब। मैं आपका और क्या कार्रवाई? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर योगेश राजोरा है और मैं एरो सिटी का लीगल एडवाइजर हूँ। यहाँ जो कार्रवाई की गई है आज, ये सब असंवैधानिक कार्रवाई है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने ये कार्रवाई यहाँ की है। यहाँ हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग करने के लिए स्टे किया हुआ था, जो आज तक प्रभावी है। इन लोगों ने हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना किसी पूर्व अनुमति के यहाँ पे तोड़फोड़ की है। उसके अलावा आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ होनी थी झाझर के अंदर, वो जो लिस्ट है 25 लोगों की, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। बिना किसी नाम के, बिना किसी उसके ये कार्रवाई की गई है। हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, हम इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मौके पर अधिकारी आए थे जी, जी तो नहीं बताया गया, उनको सारी चीजें बताई गई। उन्होंने कहा आप हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाएं। आपने किस लिए चल रही है? हाँ, उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बताना है, डंडे मारे गए और भगा दिया।